पीएनबी लोन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम नीरव मोदी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पीएनबी घोटाले में पीएमएलए केस को लेकर ईडी की नीरव मोदी के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। मुंबई में पेडर रोड पर ईडी की टीम इस वक्त पहुंची हुई है और नीरव मोदी के घर और दफ्तर की तलाशी ली जा रही है। मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और इस वक्त खासतौर पर ईडी की टीम पेडर रोड पर पहुंची है, जहां पर नीरव मोदी का घर है, उनका एक ऑफिस भी है। वहां पर ईडी की टीम बैठी हुई है और लगातार उनके घर और दफ्तर की तलाशी ली जा रही है। नीरव मोदी पर केस दर्ज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे संगीन मामले में उन पर केस दर्ज है। पीएनबी घोटाले में पीएमएलए केस को लेकर ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर, जो कि नीरव मोदी से ताल्लुक रखती है, ईडी की टीम छापेमारी कर रही है और ताजा रेड पड़ी है मुंबई में पेडर रोड स्थित उनके घर और ऑफिस पर, जहां इस वक्त टीम बैठी हुई है और लगातार घर और ऑफिस की तलाशी ली जा रही है। तो बड़ी खबर पीएनबी लोन घोटाले से जुड़ी हुई, जहां प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम नीरव मोदी के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पीएनबी घोटाले में पीएमएलए केस को लेकर ईडी की नीरव मोदी के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, लेकिन ताजा मामला मुंबई से सामने आया है, जहां पेडर रोड पर उनका घर है, वहां दफ्तर भी है। ईडी की टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है और लगातार घर और ऑफिस की तलाशी ले रही है। तो नीरव मोदी का परिवार हीरे के कारोबार से जुड़ा रहा है। बेल्जियम के एंटवर्प शहर में उनका पालन पोषण हुआ है। इसके अलावा हीरे के कारोबार से वो जुड़े हुए हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा हीरो का कारोबार है नीरव मोदी का। इस वक्त उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मुंबई के कुर्ला में प्रीमियर रोड की बिल्डिंग में इस वक्त रेड पड़ रही है। मुंबई के काला घोड़ा में साईं बाबा मार्ग के ठिकाने पर भी ईडी का छापा पड़ा है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत डायमंड पर भी ईडी ने छापेमारी की है। मुंबई के लोअर परेल में पेंसिलोना बिजनेस पार्क भी, वहां ईडी की टीम मौजूद है। कुर्ला में प्रीमियर रोड पर छापेमारी चल रही है। लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई और दिल्ली अलग अलग ठिकानों पर नीरव मोदी से जो ताल्लुक रखते हैं, उनके तमाम ऑफिस घर अलग अलग जगह पर ईडी की टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बैंक घोटाले का सच आखिर क्या है। जी हां, पीएनबी घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग जिसे संगीन आरोप है हीरे के कारोबारी, सिर्फ इतना ही नहीं, ईडी ने यह भी संकेत दिया है कि सिर्फ नीरव मोदी ही नहीं, अब कई और बड़े ज्वेलर्स भी उनके रडार पर हैं। आने वाले समय में उन पर भी रेड की जा सकती है। सेलिब्रिटीज के लिए डिजाइन करते हैं नीरव मोदी, उनकी कंपनी 1999 में उन्होंने ये नींव रखी थी और उनके कहां कहां ठिकानों पर स्वच्छ छापेमारी हो रही है। मुंबई के चार ठिकानों पर, सूरत में 3 उनके दफ्तर हैं, दिल्ली में भी 2 उनसे ताल्लुक रखने वाले दफ्तर हैं, जहां पर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और तमाम दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। वहां मौजूद लोगों से रिकॉर्ड्स चेक किए जा रहे हैं। नीरव मोदी के ठिकानों पर देश भर में अलग अलग हिस्सों से छापेमारी चल रही है, महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और राजधानी दिल्ली। पीएनबी लोन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम नीरव मोदी के ठिकानों पर यह छापेमारी कर रही है और इस वक्त मुंबई में पेडर रोड इलाके में उनका एक घर है, ऑफिस भी है, उसके दफ्तर की फिलहाल तलाशी ली जा रही है। वहां मौजूद तमाम डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कुल मिलाकर देश भर में 11 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर इस वक्त रेड चल रही है ईडी की। 11,500 करोड़ घोटाला मामले में ईडी की यह छापेमारी है। दिल्ली में चाणक्यपुरी डिफेंस कॉलोनी में ये छापे इस वक्त पड़ रहे हैं और मुंबई की यदि बात की जाए तो पेडर रोड इलाके में उनका घर और ऑफिस है, जहां पर तलाशी ली जा रही है। उनके ऊपर 280 करोड़ के फर्जीवाड़े का मामला पहले से है। नीरव के भाई, पत्नी और कारोबारी साझेदार पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं। बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर साजिश का यह आरोप है। 31 जनवरी को उनके यहां पर एक रेड पड़ी थी, छापेमारी हुई थी। अभी 10,000 करोड़ के संदिग्ध लेन देन का फिलहाल यह मामला है। इससे पहले भी वो 280 करोड़ के फर्जीवाड़े का केस उनके ऊपर चल रहा है। इतना ही नहीं, उनके भाई, पत्नी पर भी कारोबारी लेन देन के आरोप हैं। तो आखिर सबसे बड़े बैंक घोटाले का सच क्या है? आपको दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई और दिल्ली की। ये लाइव तस्वीरें हैं, नीरव मोदी के ये दोनों ही ठिकाने हैं।
सिर्फ महाराष्ट्र और दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात में भी सूरत में भी कई जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। बहुत बड़ा घोटाला ये सामने आया है। पीएनबी से जुड़ा हुआ कुछ अधिकारियों से साठ गांठ करके उसका फायदा कुछ लोगों तक पहुंचाने का आरोप है। 10,000 करोड़ रुपए का ये घोटाला है। इतना ही नहीं 280 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप भी पहले से नीरव मोदी पर लगा हुआ है, जो मामला अभी चल रहा है। तो उनके ठिकानों पर कहां कहां छापेमारी हो रही है उसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं ईडी ने यह भी साफ कहा है कि सिर्फ नीरव मोदी और उनका ग्रुप ही नहीं, कई और बड़े ज्वेलर्स भी हैं जो इस वक्त शक के घेरे पर हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, क्या कुछ निकल कर आया है अभी तक की जो छापेमारी हुई है, कुछ डिटेल्स क्या ईडी ने अभी तक दी है, क्या बरामद हुआ है इस रेड में अभी तक? देखिए, जो एलिगेशन है नीरव मोदी पर कि उन्होंने बैंकों से पैसा लिया और क्या क्या वहां से एक्सपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, इस सब चीज को लेकर जो ईडी ने एफआईआर दर्ज की है, उससे आगे ईडी ने रेड शुरू किया है। तो 12 जगह पर पूरे देश भर में रेड चल रही है ईडी की, और जिसमें अगर देखें तो दिल्ली में 2 लोकेशन है, मुंबई में 5 लोकेशन है, सूरत में 3 लोकेशन है, और इसके अलावा भी देश के कई और जगहों पर जहां जहां पे नीरव मोदी के शोरूम्स हैं, आउटलेट्स हैं, वहां पर ईडी के की छापेमारी इस वक्त चल रही है। तो ये छापेमारी सुबह से शुरू हुई है और ये उम्मीद है कि काफी लंबी चलेगी, क्योंकि जो ईडी के सोर्सेज से बात हुई है ये पता चला कि सुबह सुबह ही ये छापेमारी शुरू हो गई थी, और जब पूरे डिटेल्स किस किस आउटलेट से कितने बाहर में एक्सपोर्ट हुए, कितना स्टॉक था, क्या क्या स्टॉक था, जब तक ये चीजें पूरी ईडी के अधिकारियों को नीरव मोदी के आउटलेट से पता नहीं चल जाती तब तक ये रेड जारी रहेंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने भी नीरव मोदी के आउटलेट्स हैं देश भर में, वहां पर ईडी का रेड लगातार चल रहा है, और अब देखना होगा कि क्या मिलता है इस छापेमारी में, क्या और भी लिंक मिलते हैं कि किस तरह से नीरव मोदी ने बैंकों का पैसा लेकर कहीं डाइवर्ट नहीं किया, क्या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इसमें एंगल तो नहीं है। तो ये तमाम चीजें ईडी अपने हिसाब से जांच करेगी, और मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक जताया जा रहा है। तो ये जी हाँ, तमाम एंगल से जो है वो ईडी जांच कर रही है, तमाम दस्तावेज वहां पर खंगाले जा रहे हैं। और अब सीधे हम लिए चलते हैं मुंबई, हमारे संवाददाता अनुराग शाह सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, उनके घर और दफ्तर पर भी इस वक्त ईडी की रेड चल रही है, अभी तक क्या खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं? यहाँ पर मुंबई की कई लोकेशंस पे, लोअर परेल या फिर काला घोड़ा और अंधेरी, यहाँ पर नीरव मोदी के जो शोरूम्स हैं वहाँ पर ईडी की सर्चेज चल रही है, और पेडर रोड पे जो एक घर भी है तो वहाँ पर ईडी जो है इनिशियल सर्च ऑपरेशन है वो कंडक्ट कर रहा है। और जिस तरह से इसमें हैरानी ये भी हो रही है लोगों को, क्योंकि सीबीआई के पास केस था और सीबीआई तो अभी इनिशियल जानकारियां जुटा ही रही थी एफआईआर लॉन्च होने के बाद, उसके बाद ईडी ने काफी ज्यादा चुस्तैदी दिखाई है, और इसके बाद अलग अलग जो ठिकाने हैं वहां पर ये जो ईडी है, ईडी की सर्च ऑपरेशन जारी है। इसके अलावा ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो ब्रेडी हाउस जो ब्रांच है जहां से ये पूरा 11,500 करोड़ का ये ट्रांजेक्शन हुआ है, तो वहां पर भी अभी आज जो स्थिति है वो जो कर्मचारी है काफी कम है, क्योंकि उस ब्रांच के 10 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 कर्मचारी थे जिनके ऊपर, जिनका नाम है एफआईआर में भी है, तो वहां पर भी एक तरह से जो कारोबार है, जो रोजमर्रा का कारोबार आपको नहीं दिखेगा, काफी मतलब उस ब्रांच पे सुस्ती है। उसके अलावा जो अलग अलग ठिकाने हैं, अलग अलग जो ज्वेलरी शोरूम्स है नीरव मोदी के, वहां पर ईडी की सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, इसके अलावा अगर पीएनबी की बात की जाए, क्योंकि उसके अधिकारी से साठ गांठ के बिना इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं था, क्या वहां पर भी कुछ अलग से पूछताछ हो सकती है, किसी को सवाल जवाब के लिए बुलाया जा सकता है ईडी की तरफ से? देखिए, पंजाब नेशनल बैंक ने अभी शुरुआती तौर पे बताया है कि उन्होंने उस ब्रांच के जो 10 कर्मचारी है उनको सस्पेंड कर दिया है, और एक जो डेप्यूटी मैनेजर है उनका नाम सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उनके थ्रू ही ये जो LOUs है वो दिए गए थे, और वो उस ब्रांच में 2010 के बाद से पोस्टेड थे, उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है। इसके अलावा चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है पंजाब नेशनल बैंक के, वो भी इस पूरे मामले की और जानकारी जुटा रहे हैं, क्योंकि सबसे जो बड़ा पेच जो इस फ्रॉड में आया है, यही आकर पसता है। जी हाँ बिल्कुल, और अभी बताया जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है ये देश भर में और भी अलग अलग ठिकानों पर हो सकती है। आप नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए।